वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। और आज हम देखने वाले हैं असेसमेंट ऑफ पोस्चरल एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ स्पाइनल कॉलम। तो पोस्चरल एबनॉर्मलिटीज़ क्या होती हैं? जो हमारी स्पाइनल कॉलम है उसका एक प्रॉपर एक शेप होती है, ठीक है। जब वहाँ पर डेरिवेशन हमें देखने के लिए मिलती हैं या वहाँ पर एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं, जैसे कि लॉर्डोसिस, हाइपर लॉर्डोसिस हो जाना, काइफोसिस हो जाना, ठीक है, फॉरवर्ड हेड हो गया, तो उसकी वजह से आपका जो सर्वाइकल होता है, सर्वाइकल बोन्स होती हैं, वो हाइपर लॉर्डोसिस के अंदर चली जाती है, ठीक है। तो दीज आर सम पोस्चरल एबनॉर्मलिटीज लाइक काइफोसिस, स्कोलियोसिस, हाइपरलॉर्डोसिस, जो हमें स्पाइनल कॉलम के अंदर देखने के लिए मिलती है। तो इसका कुछ असेसमेंट का पार्ट है, ठीक है, जो हमें असेसमेंट करनी होगी जब हमारे पास कोई पेशेंट आ रहा है, तो हम उसको किस तरीके से जज करेंगे, असेस करेंगे, ओके। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट हिस्ट्री, कि पेशेंट हिस्ट्री में हम उससे पूछेंगे कोई पास्ट इंजरी ऐसी हुई हो, कोई ट्रोमा हुआ हो, कोई सर्जरी या फिर कोई मेडिकल कंडीशंस ऐसी चल रही हैं, जैसे कि कोई पैथोलॉजी हो गई, ट्यूबरक्लोसिस हो गया स्पाइन के अंदर, ओके, या फ्रॉम दी हाइट वो पेशेंट गिर गया तो उसकी वजह से उसकी स्पाइनल कॉलम पर इफेक्ट आया है, या पोस्चरल एबनॉर्मलिटीज़ हैं, वो ऑक्यूपेशन कैसी है उसकी, लॉन्ग टाइम सिटिंग की है या स्टैंडिंग की है। तो इस तरीके से हम पेशेंट की हिस्ट्री को और निकालेंगे और पूछेंगे उसको कि पेन रहता है, स्टिफनेस है या फिर वीकनेस फील होती है, ठीक है। लिमिटेशंस, जैसे कि अगर उसको बैक स्टिफ होगी तो बैक क्या होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है हमारी, उसका एक पोस्चर को रखने के लिए, ठीक है। अगर वहाँ पर इश्यूज होंगे तो ऑब्वियसली हमारे जो ऑल डेली एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर लिमिटेशंस देखने के लिए मिलेगी, तो हमें पेशेंट को इन चीज़ों के बारे में पूछना है, ओके। दूसरी चीज़ है असेसमेंट के लिए ऑब्जर्वेशन। एज अ फिजियोज आपकी जो ऑब्जर्वेशन होती है वो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है असेसमेंट के अंदर, बिकॉज जब जो आपकी एबनॉर्मलिटी है वो काफ़ी अच्छे से दिखाई दे सकती है अगर वो हाइपर है तो, ओके। तो ऑब्जर्वेशन में आप क्या देखेंगे, जब पेशेंट आपका खड़ा है तो वहीं से आपकी ऑब्जर्वेशन शुरू हो जाएगी, फ्रंट से, साइड से और बैक से कोई आपको एबनॉर्मलिटी दिख रही है या नहीं दिख रही, ठीक है। जैसे वहाँ पर आप नोट करेंगे कोई डेविएशन है स्पाइन की, शोल्डर्स की, पेल्विस की एंड एक्सट्रीमिटीज़ की, इन सब की करेंगे। इन सब की इसलिए करेंगे बिकॉज ये सब एक तरीके से इंटरकनेक्टेड, हमारी जो बॉडी है वो एक क्लोज चैन के अंदर वर्क करती है। ऐसा नहीं है कि स्पाइन में अगर एबनॉर्मलिटी होगी तो बाकी सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मली वर्क कर रही होंगी, उनके अंदर भी डेविएशन आपको देखने के लिए मिलेगी, ओके। जैसे कि आप साइड से चेक कर रहे हो तो साइड से जब आप देखोगे, अगर जस्ट टेक एन एग्जांपल, किसी का फॉरवर्ड हेड है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको वो चीज़ विजुअलाइज होगी, क्योंकि वहाँ पर जो आपकी नॉर्मल ईयर से लाइन जाती है शोल्डर के लिए, जब मेज़र करते हैं तो वहाँ पर आपको साफ साफ दिखेगा कि उसका जो हेड है वो बहुत ज़्यादा आगे निकला हुआ है, ओके। तीसरी चीज़ है, अब सिर्फ आप ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड नहीं कर सकते, आपको कुछ जो है क्वांटिटेटिव भी रखना होगा ना, तो वहाँ पर आप यूज़ करते हो टूल्स को, जैसे गोनियोमीटर हो गया या इंक्लाइनोमीटर हो गया, जहाँ पर आप डिग्री को मेज़र करके पता करेंगे कि इतनी डिग्री इसका ज़्यादा है या इतनी डिग्री इसका लॉर्डोसिस, हाइपर लॉर्डोसिस है या काइफोसिस, स्कोलियोसिस इतना हो रखा है, ओके। तो यहाँ पर आप मेज़रमेंट भी करेंगे। तीसरी चीज़ है रेंज ऑफ मोशन, कि आप चौथी चीज़ है सॉरी रेंज ऑफ मोशन की, उसकी जो रेंज है वो अभी कितनी बची हुई है, कहाँ तक उसकी रेंज जा रही है, ठीक है। यहाँ पर आप इवेल्युएट करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी को और मोबिलिटी को स्पाइन की और सराउंडिंग जॉइंट्स की, जैसे कि पेल्विक जॉइंट हो गया, हिप जॉइंट हो गया, इन सब की आप जो है फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी को भी चेक करते हैं। इसके लिए क्या करना होता है आपको असेसमेंट में, कि स्पाइनल फ्लेक्शन कराना है, आगे की तरफ झुकने के लिए बोलना है, पीछे की तरफ एक्सटेंशन कराना है, लेटरल फ्लेक्शन एंड रोटेशन कराना है, इससे आपको पता लगेगा कि रिस्ट्रिक्शन कहाँ तक है, ओके। तो यहाँ से आपको रेंज ऑफ मोशन का आइडिया लग जाएगा एंड एसिमेट्री कहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये है आपका रेंज ऑफ मोशन। अब फिफ्थ चीज़ आती है, जो हमारी मसल होती है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक स्ट्रेंथ का, कि वो मसल कितनी जो स्ट्रेंथ है वो लगा पा रही है, जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी जो है एबिलिटी वर्क करने की वो ज़्यादा होगी, ओके। और जितना ऑप्टिमम लेंथ पर मसल रहती है उतनी ही ज़्यादा अच्छे से वो कॉन्ट्रैक्ट कर पाती है, इसीलिए दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथ एंड लेंथ। तो इसको आइडेंटिफाई करता है ये कोई भी तरीके के मसल इम्बेलेंस को,
ओके, एक मसल स्ट्रेंथ है या एक मसल टाइट है और दूसरी मसल बहुत ज़्यादा वीक है, तो यहाँ पर एक इम्बेलेंस फॉर्म हो गया ना। इसीलिए मसल लेंथ टेस्टिंग होती है, जहाँ पर आप देखते हैं कि टाइट और शॉर्ट कौन सी मसल है, इस तरीके से आप इवेल्यूएट करते हैं। एंड स्ट्रेंथ के लिए आप मैनुअल मसल टेस्टिंग MMT को यूज़ करते हैं। सिक्स वन है न्यूरोमस्कुलर असेसमेंट। इसमें क्या इवेल्यूएट करना होता है, न्यूरोमस्कुलर का मतलब है कि ऑब्वियसली जो हमारी नर्व्स होती हैं उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है मसल्स को वर्क कराने में। आपने पढ़ा होगा न्यूरोमस्कुलर एक जंक्शन होता है जहाँ से एसिटाइकोलिन रिलीज होता है और यहाँ पर मसल्स के पास मैसेज जाता है कि अब कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो ऑब्वियसली हमें इस जंक्शन को भी, इस न्यूरोमस्कुलर कनेक्शन को भी देखना होगा कि वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसमें हम इवेल्यूएट करते हैं, मतलब देखते हैं न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल को, कोऑर्डिनेशन को एंड प्रोप्रियोसेप्शन को। ओके, इसको परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना होता है, बैलेंस टेस्ट करना होता है और प्रोप्रियोसेप्टिव एक्सरसाइजेस करनी होती हैं। ठीक है, उन सब को करने के बाद हमें पता, हम जज कर सकते हैं कि यहाँ पर न्यूरोमस्कुलर कोई जंक्शन में कोई दिक्कत है या नहीं है। ओके, सेवंथ आता है फंक्शनल असेसमेंट। इसके अंदर क्या होगा, फंक्शनल असेसमेंट में क्या करना होगा कि जब कोई पेशेंट आ रहा है तो उसको फंक्शन करने में कितनी दिक्कत आ रही है, अपने जो डेली के वर्क्स हैं जैसे वॉकिंग करना, लिफ्टिंग करना किसी चीज़ को, वो उस चीज़ को कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, ठीक है, या कितनी डिफ़िकल्टीज फेस कर रहा है। तो यही चीज़ें होती हैं फंक्शनल असेसमेंट में कि कितना जो है पोस्चरल एबनॉर्मलिटी उसके फंक्शनल टास्क को इफेक्ट कर रही है। ओके, अब यहाँ पर देखो कुछ स्पेशल टेस्ट्स होते हैं जो आपके जो है स्पाइन के लिए स्पेसिफिकली करे जाते हैं। एक है एडम्स फॉरवर्ड बेंड टेस्ट, दूसरा जिलेट, थर्ड वन इज़ मॉडिफाइड स्कॉबर्स लंबर एक्सटेंशन टेस्ट एंड प्रोन इनस्टेबिलिटी टेस्ट। तो एक एक करके इन टेस्ट के बारे में देखते हैं। जो एडम्स फॉरवर्ड बेंड टेस्ट इज़ वेरी इजी, ये यूज़ किया जाता है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल स्कोलियोसिस को देखने के लिए। ठीक है, इस आपको डिफरेंस पता होना चाहिए स्ट्रक्चरल और फंक्शनल में क्या डिफरेंस होता है स्कोलियोसिस के अंदर। इसके अंदर क्या करना होता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो है एक लाइन डायग्राम बना के शो करती हूँ। ठीक है, मैंने प्रॉपर वो पेशेंट पोजीशन एंड वो सब नहीं लिखा है, बिकॉज एक बार वो आपको लाइन डायग्राम के थ्रू समझ में आ जाएगा ना तो वहाँ से आप लिख लोगे। ओके, तो ये आपका स्टैंडिंग में है पेशेंट, आपका स्टैंडिंग में, इससे आपको सिर्फ इतना बोलना है कि आगे की तरफ बेंड हो जाओ। ठीक है, अगर स्कोलियोसिस के लिए ये टेस्ट जो है, सिर्फ इसमें दो ही चीज़ें याद रखनी है स्पेशल टेस्ट के अंदर, किसके लिए किया जाता है और कैसे किया जाता है, और पेशेंट जो आपका जो आप होगे, मतलब एज अ पेशेंट जो थेरेपिस्ट हो आप इसके पीछे खड़े होगे पेशेंट के पीछे, और ये जब आगे की तरफ झुकेगा ना इस तरीके से, तो यहाँ पर अगर स्कोलियोसिस प्रेजेंट होगा तो आपको यहाँ पर एक हम्प दिखाई देगा या कुछ एबनॉर्मलिटी दिखाई देगी, एसिमेट्री दिखाई देगी। ओके, तो यहाँ पर इसको करते टाइम जो इसके नीज होने चाहिए वो दोनों पास पास में होने चाहिए और आर्म्स जो हैं वो नीचे की तरफ डैंगलिंग में, मतलब नीचे की तरफ लटकनी चाहिए। ओके, तो ये है आपका एडम्स फॉरवर्ड बेंड टेस्ट। ओके, अब यहाँ पर अगर आपकी कोई भी एसिमेट्री अगर दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि टेस्ट पॉजिटिव है। ओके, अब देखो जिलेट्स टेस्ट में क्या होता है, ये असेसमेंट करने के लिए होता है SI जॉइंट की। ओके, सार्को इलियक जॉइंट की। थेरेपिस्ट की जो पोजीशन होती है वो पेशेंट के पीछे होगी। इसमें ये इट्स समथिंग इंटरेस्टिंग, इसको देखो इसमें क्या करना है, ये आपका जो है पेशेंट है, इसकी पूरी बैक बनाते हैं, इसकी पूरी ये बैक है। ओके, यहाँ पे इसके जो PSIS है ना, इसको पैल्पेट करना है पहले। इसको पैल्पेट करने के बाद इसको बोलना है पेशेंट को कि आप अपनी जो नी है ना उसको बेंड करो और अपनी चेस्ट के पास लेकर के आओ। ठीक है, क्लोज़र टू चेस्ट लेकर आनी है, चेस्ट के क्लोज़र बेंड करना है नी को। अब इसमें क्या होगा, नॉर्मली और एबनॉर्मली दोनों चीज़ों को समझो। जो एबनॉर्मल होगा ना वो हम बाद में समझते हैं, पहले नॉर्मल समझते हैं। ओके, जब नॉर्मल में क्या होगा, जब आपका लेग ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब नी ऊपर की तरफ जाएगा, हिप फ्लेक्शन होगा, तो ये जो है PSIS जो आपने पकड़ के रखा हुआ है उस टाइम पे वो नीचे चला जाएगा। ओके, ये है आपकी नॉर्मल कंडीशन कि जब आप नी को बेंड करके चेस्ट के पास ला रहे हो तो नॉर्मल जिस साइड आपका वो हो रहा है
मतलब जिस साइड की आपने नी चेस्ट के पास लाया उस साइड का PSIS नीचे की तरफ चला जाएगा। लेकिन एबनॉर्मल के अंदर क्या होगा, ये आपका एबनॉर्मल केस है जब आप पेशेंट अपनी नी को ऊपर की तरफ लाया चेस्ट की तरफ और आपने PSIS यहाँ पर पैल्पेट करके रखा हुआ है, या तो ये PSIS यहीं की यहीं रहेगा या सुपीरियरली मूव करेगा। ओके, तो ये डिफरेंस है, ये है नॉर्मल केस और ये है एबनॉर्मल। ठीक है, यहाँ पर एक बार आप फिर भी पढ़ सकते हो। प्रोसीजर क्या है कि थेरेपिस्ट पैल्पेट करेगा PSIS बोथ साइड के और पेशेंट से आस्क करेगा स्टैंड ऑन वन लेग वाइल फ्लेक्सिंग अपोजिट नी क्लोजर टू चेस्ट। ओके, तो यहाँ पे क्लोजर टू चेस्ट लेकर के आएगा और रिपीट करेगा बायलेटरली, मतलब दोनों साइड करा कर के देखेगा और कंपेयर करेगा। अब नॉर्मली क्या होगा इसके अंदर कि PSIS इन्फीरियरली, एज आई टोल्ड यू, इन्फीरियरली मूव करेगा ऑन द नी फ्लेक्शन। और टेस्ट पॉजिटिव कब कहा जाएगा, जब PSIS उसी लेवल पर रह रहा है या फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव है आपका जिलेट्स टेस्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है आपका स्कॉबर्स टेस्ट। ठीक है, तो इसका बेसिक जो वर्जन है वो ये है आपका, ये यूज़ किया जाता है रिस्ट्रिक्शन ऑफ लंबर स्पाइन फ्लेक्शन के लिए, जो आपका मोस्टली इनक्लोसिस स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर देखने के लिए मिलती है, क्योंकि जो स्पाइन होती है वो इस केस के अंदर एक बैम्बू की तरह हो जाती है, वो मुड़ती नहीं है, झुकती नहीं है, इस तरीके से बहुत रिस्ट्रिक्शंस देखने के लिए मिलते हैं मूवमेंट में। तो इसमें क्या करना होगा कि एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको L5 पर और उससे 10 सेंटीमीटर ऊपर, और इसको मेज़र कर लेना है पहले, फिर पेशेंट से बोलना है कि आप आगे की तरफ बेंड हो जाइए। बेंड करते टाइम क्या होगा, जो लंबर है वो फ्लेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको फिर से जो लाइन ड्रॉ करी थी आपने पहले पेशेंट के, अब उसको मेज़र करना है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस होगा इन दोनों लाइन्स के बीच का, वो आपका जज करेगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कितना लंबर फ्लेक्शन में दिक्कत आ रही है। ओके, कितनी रिस्ट्रिक्शन है, उसके लिए प्रॉपर एक नंबर्स का चार्ट वगैरह होता है, उससे आप आगे पता लगा सकते हो कि क्या है। ओके, अब हमारा जो फोर्थ टेस्ट है वो है लंबर एक्सटेंशन टेस्ट। लंबर एक्सटेंशन टेस्ट के अंदर साफ साफ जैसे बताया जा रहा है कि ये पैसिवली भी होता है, पैसिव लंबर टेस्ट होता है। ओके, इसका यूज़ किया जाता है अगेन लंबर स्पाइन इनस्टेबिलिटी को देखने के लिए। इसमें क्या करना होगा कि पेशेंट प्रोन में लेटा हुआ है, ये इसका ये पेट एंड चेस्ट ये शो कर रहा है इस चीज़ से। ओके, ये इसके जॉइंट्स हो गए। ओके, ये हिप जॉइंट हो गया, ये आपका नी जॉइंट हो गया। इसमें लाइन डायग्राम बेस्ट डायग्राम्स होते हैं समझने के लिए। ठीक है, बाद में एक बार समझ आ जाए तो वो पेशेंट पोजीशन एंड थेरेपिस्ट पोजीशन प्रोसीजर वो सब आप लिख सकते हो। इसके अंदर देखो, ये प्रोन में पेशेंट को लिटाना है बेड के ऊपर, फिर उसको पैसिवली, ये थेरेपिस्ट है, इसको पैसिवली इसके जो लेग्स हैं एक्सटेंडेड नीज रहेंगी, इसको ऊपर लेके जाना है बेड से 30 सेंटीमीटर के राउंड। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका हिप है वो एक्सटेंशन में जा रहा है और नीज जो है वो ऑलरेडी एक्सटेंडेड है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव जब होगा, जब इसको सीवियर पेन आएगा या हैवीनेस फील होगी बैक में ड्यूरिंग दिस 30 सेंटीमीटर, जब इसको ऊपर लेकर के जा रहे हैं। सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।